पहले इसमें एक हम लूप बनाएंगे इस तरह से बना के क्रीम कलर से इसको बनाना पहले हम शुरू करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें हम चैन बनाएंगे, तो इसमें पहले हम 20 चैन बनाएंगे। बनाने के बाद में फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। हमारा 20 चैन इसमें बन के कम्प्लीट हो चुका है इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये देखिए, एक तो हमारा हुक में है और एक छोड़ करके ये तीसरे वाले में यहाँ पर हम डालेंगे, और डाल करके इसको हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, और फिर एक चैन हम यहाँ पर बना लेंगे। अब बनाने के बाद में इसी होल में डाल करके एक बार हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक चैन बना लेंगे हम। बनाने के बाद में ये नेक्स्ट वाला गैप करके इसके आगे वाले में हमें बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया इसमें बनाया, फिर एक चैन बना लेंगे। बना के सेम होल में हमें फिर डाल करके एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है। फिर एक चैन हम बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर एक गैप देके और नेक्स्ट वाले में हम इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए ठीक है, यहाँ पर चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में नेक्स्ट वाले में हम डाल करके इस तरह से इसको बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। एक चैन को नीचे स्किप करना है और ऊपर में एक एक चैन हमें बनाना है एक्स्ट्रा में। तो इसी तरह से इस रो को यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद में हम फिर आपको आगे बताएंगे। हमने एक रो इसको बना करके इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस तरह से टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में एक और दो चैन हम बना लेंगे। बनाने के बाद में ये जो हमने एक में दो बार डबल क्रोशिया किया सेम प्लेस पर, इसमें हमें इसी तरह से बनाना है। एक बार हमने बनाया, फिर एक बार हम और बनाएंगे, और फिर एक चैन हम बनाएंगे, गैप देंगे, और फिर इसी जगह पर एक दो बनाया, फिर एक बार इसी में फिर से बनाया हमने। ये इस तरह से हम बनाएंगे। बनाने के बाद में अब हम चैन नहीं बनाएंगे यहाँ पर। ये वाला जो है इसमें हम बनाएंगे इस तरह से, एक ये दो, दो बार डबल क्रोशिया किया हमने, फिर एक चैन हम बना के गैप देंगे, और फिर यहाँ पर हम एक और ये हमारा दो। ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। और फिर यहाँ पर हम चैन नहीं बनाएंगे, हमें अब कोई भी चैन नहीं बनाना है। अब डायरेक्ट ये जो एक ही जगह पर हमने दो बार डबल क्रोशिया किया है, इसी होल में हमें डालना है। नीचे दो किया था, इस बार हमें चार करना है। एक बार किया, फिर एक हम चैन बना लेंगे, और बनाने के बाद में फिर यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम बनाना बताएंगे आपको। ये वाला रो बना करके हमने कंप्लीट कर दिया है। ये चार चार का हमारा बन के कम्प्लीट है। अब नेक्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है। जब इधर के साइड से हम आएंगे तो हमारा जो जैसा है सेम वैसे ही बनाना है, जैसे कि हमने अभी बना करके आपको दिखाया है। तो इस लाइन को हम इसी तरह से अभी कंप्लीट करेंगे। पहले दो चैन बना लेंगे, और ये जो हमने एक चैन एक्स्ट्रा बनाया था इसी में डाल करके हमें इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से बनाएंगे। ये दो चैन बन गए हमारे, और फिर एक चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, और यहाँ भी हम ये दो बनाएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर ये जो है सेम वैसे ही बनाएंगे हम। थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता देती हूँ।
ये इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, जैसे कि अभी हमने आपको बना करके दिखाया। तो चलिए इस रो को बना करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये वाला रो बना करके हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारा तीन रो बन गया है। अब इसमें जब आएंगे तो दो चैन हमने यहाँ पर बना लिया है। ये जो गैप है यहाँ पर हम दो दो बनाए थे, तो इस वाली सिलाई में सॉरी रो में हम तीन बनाएंगे। इस तरह से दो बनाया, एक और बनाएंगे, ये हम तीन बनाएंगे। और एक चैन बना लेंगे और फिर इस साइड भी हम तीन बनाएंगे, एक दो और ये हमारा तीन, ये हमारा तीन बन गया इस तरह से। अब इधर भी जैसे हमने इधर बनाया है सेम वैसे ही इधर हमें बनाना है। तो चलिए थोड़ा सा हम और बना लेते हैं, बनाने के बाद में आपको थोड़ा सा फिर बताएंगे कि उसके आगे हमें क्या करना है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आपको क्लियर दिख रही है, तो इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना करके हमने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए पहले में हमने दो बार बनाया है, फिर आगे वाले में हमने ये चार बनाया है, इसके बाद फिर हमने चार बनाया है, फिर छः बनाया है, फिर छः बनाया है। तो एक दो तीन चार पाँच रो बन के हमारा ये कम्प्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये दूसरा कलर का धागा हम मैरून वाला लगाएंगे यहाँ से। और इस धागे को हम खींच देंगे, खींचने के बाद में इसको हम चैन बनाते जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए फिर इसके आगे वाले में इस तरह से हम बनाते जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हम चैन बनाएंगे। बनाने के बाद में जब हम इस इधर के साइड आएंगे तो हमें इस तरह से इसको बनाना है। ये चैन हमको इस तरह से बनाना है, फिर एक चैन हम यहाँ से इस तरह से लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे। ये धागे को इस तरह से लेकर के हमें कंप्लीट करना है, फिर एक चैन हम बनाएंगे यहाँ पर, फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इस तरह से हम बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है बनाना, इस तरह से ये हमारा बनते जाएगा। फिर से बता रहे हैं, ये धागा हमारा इधर है, ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। इधर बनाएंगे ये धागा, देखिए इधर से हम हुक में लेंगे, इधर से निकाल के हम चैन बना लेंगे, फिर ये धागे को फिर हम इधर से निकालेंगे और इधर से लेकर के हम चैन बनाएंगे। ये इस तरह से हमें इसको बनाना है। और ये इस तरह से हमारा बन के जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक चैन इस तरह से बना लेंगे और फिर यहीं से हम टर्न हो जाएंगे, पीछे के साइड धागे को कर लेंगे। और करने के बाद में फिर इसी तरह से हम आएंगे। देखिए ये एक एक चैन बनाना है, ये हमारा दूसरा वाला धागा आ गया इसमें। फिर एक हम यहाँ पर चैन बना लेंगे और फिर एक इसको हम यहाँ पर बना लेंगे ये इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे यहाँ पर और फिर हम इसको बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे हम और फिर इसको हम इस तरह से धागे को लेके अंदर से बनाते जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो इसको इस तरह से हम पूरा कर देंगे, पूरा हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाला जो है हमारा इसमें इसी की तरह हमारा ये बनते जाएगा। ये देखिए सब में हमारा इस तरह से ये चैन बनते जाएगा।
और फिर जब इधर आएंगे तो इस तरह से हम घूम जाएंगे, और घूमने के बाद में सेम चीज़ को हमें फिर से रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनते जाएगा। थोड़ा सा और हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं हम और बना देते हैं। इस तरह से इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं। इस तरह से इसको पूरा बना करके हमने कंप्लीट कर दिया, और बहुत ही सुंदर प्यारा हमारा ये बन के डिज़ाइन कम्प्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से हमें फंदे उठाना है। ये यहाँ से हम फंदा उठाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से इसको बनाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे हम इसी रो में हमें एक बार और बनाना है, जो ये क्रीम कलर वाला है इसमें हमें दो बार बनाना है, और हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है इसमें हमें। ये इस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ पर हमारा जगह नहीं है, इसको कवर करने के लिए एक में हमें दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसमें एक बार और हम बनाएंगे, ये इस तरह से बनाएंगे, और हमको इसे दो रो बना करके कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, करके फिर दिखाऊंगी आपको। हमने यहाँ तक बना करके कंप्लीट कर दिया। ये देखिए नीचे में हमने यहाँ पर से सेम प्लेस पर दो बार बनाया है, लेकिन ऊपर वाले रो को जब हमने बनाया था, जितना भी हमने नीचे में हाफ डबल क्रोशिया किया था, ठीक उसके ऊपर में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया हर चैन में हमने बनाया है। और ये देखिए आपको क्लियर दिख भी रहा है कि किस तरह से हमने बनाया है। अब यहाँ से हम इसको लॉक करके कट कर देंगे, इस तरह से इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक बन के कम्प्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से इस दोनों को हमें फोल्ड करना है और देखना है, और देखने के बाद में ये देखिए यहाँ से हमें एक और दो रो छोड़ देंगे, हम दो रो छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा क्लियर दिख रहा है, ये यहाँ से हम इसके ऊपर से ठीक यहाँ से हम पहले तो लूप बना लेंगे, एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में इसको इस तरह से इसमें से हम निकालेंगे, निकालने के बाद में एक हम चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद में नेक्स्ट वाले चैन में से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक बार बनाया हमने, दो बार बनाया, इसी तरह से ये जो दो रो है छोड़ देंगे इसको। ये देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ तक हम बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये वाला हमारा शुरू होता है, तो यहाँ तक हमें बनाना है। तो चलिए यहाँ तक पहले हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये यहाँ तक इस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है बना के, इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसी के ऊपर तीन रो और डबल सॉरी हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो चलिए हम तीन रो इसको बना लेते हैं, तो बना करके फिर आगे बताएंगे आपको।
हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ले करके बना के कंप्लीट किया है। तो ये देखिए कितना रो हमने बनाया है, तो 1 2 3 4 चार रो हमने टोटल बनाया है। अब इसको उल्टा के साइड से हम इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो सुई धागे से भी इसको जोड़ सकते हैं। इसको इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे, एक चैन इसमें से लेंगे और एक चैन हम इसमें से लेंगे और लेकर के इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जब हम आएंगे तो इसको लॉक करके इस तरह से हम कट लगा देंगे धागे को और इसको इस तरफ से हम उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कैप बनके बिल्कुल रेडी है। और राधा जी के लिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि आउटलाइन इसको देने के लिए मैरून कलर के धागे से हम इस तरह से पहले तो एक लूप बना लेंगे इसमें हम। इस धागे को टाइट हम खींच के रखेंगे और फिर एक हम यहाँ पर चैन की तरह बनाएंगे और इसके बाद इस धागे को साथ में लेते हुए इस तरह से हम साथ में बनाएंगे। इस तरह से हमें बनाना है और इसको कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है तो यहाँ से लेके इस तरह से बनाते हुए घूमते हुए इस तरह से ये कैप को बनाते हुए घूमते हुए इसको यहाँ तक हमें बनाना है। तो आइए हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसको बनाते हुए ये देखिए यहाँ से बनाते हुए टोपी का किनारी बनाते हुए इधर से आते हुए यहाँ पर हम आ गए। हमारा ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ पर हमें स्टॉप करना है, लास्ट जगह पर हम पहुंच गए हैं। इस तरह से चैन बना के यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। ये देखिए पीछे से लुक हमारी कितनी अच्छी आ रही है, ये कैप की ये हमारे आगे से लुक कंप्लीट है। अब यहाँ पर एक हम बटन चाहे तो बटन लगा सकते हैं या आप यहाँ पर डोरी चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर साइड में मोती लगा करके इसको लॉक कर दिया है और हमने 3 मोती लगाई हुई है। अगर आप चाहें तो क्रोशिए से यहाँ पर धागा बना करके और लटकन भी आप लगा करके खींच के यहाँ पर बांधने के लिए बना सकते हैं। और साथ में हमारी ये कैप है, ये देखिए कितनी सुंदर पोशाक है, हमारी पोशाक बन के कम्प्लीट है। वीडियो के शुरू में मैंने पहना करके दिखाया हुआ भी है। ये 2 और 3 नंबर के गोपाल जी में भी डाल सकते हैं, राधा जी में डाल सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हम मिलेंगे आपके साथ में फिर नए वीडियो लेकर के। थैंक यू।